बड़ी समस्या बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू सनातन धर्मियों के साथ में हो रहा है, जो वहां पर हो रहा है वो उस राज्य की, उस राष्ट्र की समस्या है। उस राष्ट्र की सरकार को चाहिए कि वहां की समस्या के लिए समाधान करे। लेकिन हिंदू भाई जो वहां पर रह रहे हैं वो वहां की सरकार की समस्या का सरकार की समस्या नहीं है, वो हम सब की समस्या है। क्योंकि हमने सारे विश्व की मंगल कामना करी है, हमने सारे विश्व के कल्याण की कामना करी है। कभी हमने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, कभी हमने किसी के अधिकार का हनन नहीं किया, कभी हमने किसी उपासना के स्थल पर हमने कब्जा नहीं किया, कभी हमने उपासना के किसी की उपासना को ठेस नहीं पहुंचाया। लेकिन आज हमारे उपासना के स्थल तोड़े जा रहे हैं, आज वहां पर हमारे जो हिंदू धर्म की माताएं बहने हैं उनकी मान सम्मान, उनकी लज्जा का हरण हो रहा है। आज वहां पर जो हिंदू भाई हैं उनको सताया जा रहा है। ये निश्चित रूप से हम उदार कुटुंबकम की अवधारणा रखते हैं, सबकी मंगल कामना करते हैं। लेकिन जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी भी हमें चिंता है, उनके साथ जो हो रहा है उसके लिए एक धर्माचार्य होने के लिए, आज सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर विराजमान होने के नाते आज हम भारत की सरकार से अपना ध्यान भी आकर्षित करेंगे, साथ ही साथ में एक बार आदेशित करके भी कहेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है आचार्य होने के नाते कि वहां के जो हिंदू भाई हैं उनके रक्षा सुरक्षा भारत की सरकार सुनिश्चित करे। उनकी रक्षा सुरक्षा करना भारत की सरकार की जिम्मेदारी है, भारत की सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। हमें पता है जो वर्तमान सरकार है वो संपूर्ण विश्व में और शांति चाहती है, समाधान चाहती है, साथ साथ में सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार इसलिए हो रहा है क्योंकि सनातन धर्म ही सारे विश्व को शांति और समाधान और सद्भाव प्रदान करेगा। और इस हेतु हमारी जो वर्तमान सरकार है मोदी जी ने वो भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं और भी अधिक जो कार्य करने की आवश्यकता है उस दिशा में काम हो, ताकि हमारे सनातन धर्मियों की, हमारे जो वहाँ की माताएं बहने हैं उनकी रक्षा हो, सुरक्षा हो, और साथ साथ में वहाँ के उपासना के जो स्थल हैं उनकी भी रक्षा सुरक्षा हो।